अब ये सड़क जो आप देख रहे हैं एकदम ऑफ रोडर वाली सड़क है। सड़क दरअसल कंक्रीट की या जो जैसे हाईवे पर पुलतार की सड़क होती है वैसी नहीं, पथरीली सड़क है बिल्कुल। और बारिश के मौसम में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सड़क का क्या हाल होता होगा। अभी बारिश का मौसम है लेकिन अभी बारिश उस तरह से हुई नहीं है। खैर, अभी हम हैं रामगढ़ इलाके के महेश खान में जा रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल, जंगल का नाम है महेश खान। जी जंगल का है, किस चीज़ का नाम नहीं है? ये महेश खान इलाका है जो जंगल का इलाका है और यहाँ पे फॉरेस्ट का 100 साल से ज्यादा पुराना डाक बंगला। वो सब बाद में बताने से पहले इनका परिचय कराते हैं। ये अमरीश कुमार जी हैं जिन्हें आप हमारे वीडियो में कई बार आप देख चुके हैं। रामगढ़ के राजा हैं, यहीं रहते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। साथ हिंदी पर इनका रोज शो आता है। आप देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप अपना रील भी बनाने लगे, लेकिन चलिए बनाते रहिए, कोई बात नहीं, बनाते रहिए। आप तो यहाँ कई बार आते हैं फिर भी आपको रील नहीं, बनाने नहीं, का नहीं, मतलब हम आपकी संगत की वजह से मैं रील बनाने में मजा आने लग गया। हाँ, तो अभी इसके बारे में पहले महेश खान के बारे में बताइए। रील तो आप बहुत बार बाद बनाते रहेंगे, बताइए क्या है ये मामला जो है। ये जंगल है, पुराना जंगल है, अंग्रेजों के जमाने का है। और इस जंगल का जो ऊपरी हिस्सा है वो टैगोर टॉप कहलाता है। इसी में टैगोर टॉप है, इसी का जो ऊपर का हिस्सा है उस तरफ टैगोर टॉप है, जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर रहते थे। अच्छा, यही पूरा हिस्सा। ये जानवरों का पूरा जानवर बहुल इलाका है, पूरा बहुत सारे यहाँ जानवर हैं। इसमें तेंदुआ है, हिरन है, भालू है, और एक भौंकने वाला हिरन होता है, वो भी है यहाँ। भौंकने वाला हिरन? हाँ, एक हिरन की एक प्रजाति है जो भौंकती है। तो यहाँ जैसे तेंदुआ तो आ नहीं जाएगा ना, भालू वालू नमस्कार करने हम लोग को? ये तो हम नहीं कह सकते, शहरों में चला आता है तो वो तो हम नहीं बता सकते। लेकिन ये है कि रात में जानवरों की आवाज, आप यहाँ रुकेंगे अगर, यहाँ हट्स बने हुए हैं, डाक बंगले के अलावा हट्स भी हैं टूरिस्ट के लिए। अब टूरिस्ट के लिए भी खोल दिया जाता है। तो रात में बाड़ा बना हुआ है, जब अभी जाएंगे वहाँ पे तो आपको दिखाएंगे, करीब 15-20 फीट का ऊंचाई वाला बाड़ा है, ताकि कोई जानवर रात में, आप लोग अगर रह रहे हैं। तो अभी जो हम जा रहे हैं अंदर, कोई फॉरेस्ट का डक बंगला है, देखिए क्या हालत है सड़क की यार। तो इसमें तो बारिश में अगर यहाँ खूब बारिश हो जाए तो गाड़ियों से हर गाड़ी आना मुश्किल होगी, मतलब बहुत जतन चाहिए इसमें थोड़ा। हाँ, 4-व्हील गाड़ी ही ज़्यादा बेहतर रहती है यहाँ के लिए। जंगल है, और जंगल जैसा जंगल है, मतलब जंगल जैसा वो नहीं है कि मतलब हल्का फुल्का वाला, ठीक ठाक जंगल है। और बांज का जंगल है, ये पूरा आप देख रहे हैं, ये बांज के जंगल है, ऊपर की ऊपरी बांज से। ओक बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ओक। तो यहाँ तीन पेड़ हैं ज्यादा, चीर, देवदार और बांज। ठीक है, सही बोल रहे हैं। हाँ, तो अब अंदर जो डाक बंगला है बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, 100 साल से ज्यादा पुराना है। और सोचिए, जब आप इस समय जा रहे हैं तो उस समय पगडंडी थी, उस समय गाड़ी का रास्ता नहीं था, तो लोग घोड़े से आते थे। तो फॉरेस्ट के जो अफसर होते थे या जो अंग्रेज आते थे, नैनीताल में आपको पता है सारे अंग्रेजों का इलाका था उस दौर में, तो वो घोड़े से, घोड़ा चलता था। अच्छा, और ये काठगोदाम से मुक्तेश्वर तक का रास्ता भी पैदल रास्ता था, वो जिसमें खच्चर चलते थे, घोड़े चलते थे, उसी ये रूट भी उसी के पास। तो ये डाक बंगला भी 100 साल से पहले था। 100 साल पुराना है, तो 75-80 साल से तो आप भी आ रहे होंगे। हाँ हाँ, 80 साल आपकी संगति हमारे 60-65 साल से ऊपर हो गई है जी। तो वहाँ क्या देखने को मिलेगा? अभी देखिए, वहाँ सुबह के समय तेंदुआ भालू वगैरह नहीं, चिड़ियों का इलाका, पक्षियों, परिंदों का इलाका है। हम तो सोच रहे थे तेंदुआ भालू वगैरह मिलेंगे। नहीं, वो ऐसा नहीं कि चिड़ियाघर में नहीं जा रहे हैं, हम लोग जंगल में जा रहे हैं, और जंगल जन में कोई नियम के हिसाब से तो आता नहीं है तेंदुआ भालू कि आपका टाइम टेबल देख के वो आ रहा है कि आप आने वाले हैं तो हमें आना है, अपने आप आता है, वो सभी जगह आ जाता है। अभी प्रदीप जी बैठे हैं, इनके सामने घर के गाड़ी थी, उस पे देखे तेंदुए का निशान था, प्रदीप सौरभ जी साहब। प्रदीप जी, सही बात है क्या? अच्छा, हालांकि तो आपकी आवाज प्रदीप जी की अभी शायद उस तरह से नहीं आ पाएगी। हाँ, क्या हो गया? पंजे के निशान है गाड़ी के पीछे पे। हाँ, अच्छा, तेंदुआ है ऐसा लोगों का ना। वैसे कि उस रोड पे मैं रोज रात को खाना खाने के बाद 10 बजे के बाद घूमता हूँ। और आज से नहीं, मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ। और वो क्या कहते हैं, मुझे तो तेंदुआ नहीं दिखा। अच्छा, थोड़ी आपसे संक्षिप्त बात इसलिए करेंगे कि माइक हम लोग के पास है जी, तो आपकी आवाज उस तरह से कम आ पाएगी। जो प्रदीप जी ने अभी कहा, मैं बता दूं अगर जिन्होंने नहीं सुना होगा, कि जहाँ वो रामगढ़ में है वहाँ ऐसा कहा गया कि उनकी गाड़ी के पास तेंदुआ था। लेकिन बहरहाल, चूंकि हम जंगल में हैं और ऑडियो का पीछे सिस्टम अभी नहीं है। खैर, तो अब ये जो जहाँ जा रहे हैं हम लोग डाक बंगला जी, इस तरह के पथरीले रास्ते से, आप रील बनाते रहिए, बड़ा एडवेंचरस रास्ता है। नहीं, रील इतना हमें शौक नहीं है, हम आपकी रील से हम देख लेंगे, उसी में हमारी रील उसी में समाहित है। तो अम्बरीश जी रामगढ़ के राजा हैं,
यही रामगढ़ में रहते हैं। कुछ लोग सोचेंगे रियासत है हमारी, रियासत 35 साल से इनका अपना यहाँ राइटर्स कॉटेज है, ये रियासत हमारी नहीं है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जनसत्ता में लंबे अरसे तक रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में, और उसके बाद सत्य हिंदी पर हर रोज इनका शाम को डिबेट का शो आता है। और हमारे एकदम मित्र हैं, उम्र में हमसे 20-25 साल बड़े हैं, लेकिन 30 साल बड़े हैं आप हमारी उम्र अग्रज हैं, लेकिन फिर भी मैं मित्र मानता हूँ। अब उसके बाद ये अनुज की तरह मुझे ट्रीट करते हैं, उम्र का फासला तो होता ही है। लेकिन मैं खास तौर से आज इसलिए आया क्योंकि पता चला कि यहाँ बारिश में बादल का जो ये है, बादलों की आमद है, दृश्य बादलों उसकी बाहर का दृश्य दिखाई, हम ही लोगों पर फोकस मत करिए आप, तो इसकी वजह से लगा कि चलो एक दिन बारिश देखी जाए। अभी मैं यहाँ से रह के गया था कई दिन और आज सुबह आया हूँ, दोपहर आया हूँ बल्कि। अब कल क्या होगा, दिल्ली जाऊँगा, वापस लौटूंगा, कल तय करूँगा। अभी हम लोग जा रहे हैं महेश खान। बहरहाल तो महेश खान के बारे में और कुछ बताइए, पता चले महेश जा खान जो है, ये महेश और खान क्यों नाम है पहले? ये रिज जो कहलाता है, खान का उससे ओ, खान है। उस तरह से रिज है ना, वो जो रिज होता है ना, हाँ नथुआ खान, आपने नाम सुना होगा, नथुआ खान भी है। खान से वो मतलब नहीं है, खान मार्केट वाला, अच्छा खान मार्केट गैंग वाला नहीं, हाँ उससे मतलब नहीं है, कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। खान मतलब माइनिंग भी नहीं है, हाँ मतलब कई लोग सोचते हैं खान लोग मतलब यहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है, हाँ, ऐसा नहीं है, हाँ, ये रिच को कहते हैं। तो यहाँ नाम मैं भी पहले हरी खाई है यार, हाँ, बगल में, हाँ, 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 और देखिए ये जब गर्मी, अभी आग लगी थी थोड़ी, यहाँ भी लगी है, हाँ, ये बांज के जंगल थोड़े जले हैं, बाद में बुझाया गया है क्योंकि बहुत डेंस फॉरेस्ट है, इसके अंदर जो है दिक्कत तो होती है जब बहुत पिरुल उरुल, क्या सड़क है यार, लेकिन हमको जानते हैं इस तरह के पत्थर है, बहुत ध्यान से चला, हाँ बहुत ध्यान से चला रहे हैं, और इस तरह के एडवेंचरस सड़क पर मुझे गाड़ी चलाना अच्छा लगता है। तो अभी हमारी स्पीड है गाड़ी की, आप सोचिए, देखिए गाड़ी पर मीटर पे लाइए, गाड़ी की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी हमारी चल रही है, सोचिए जरा, ऐसी सड़क है 10 किलोमीटर प्रति स्पीड के हिसाब से गाड़ी चल रही है, टोटल कंट्रोल में है, और नज़र एकदम सामने सड़क पर है, दाएं साइड में गहरी खाई है, पता नहीं कितने 100 मीटर, झांकने की हिम्मत नहीं कर सकता, स्ट्रेट जा रहे हैं बाहर। तो महेश खान के बारे में कुछ और जानकारी दीजिए। देखिए बादलों ने जंगल को घेर रखा है, ऊपर सारे बादल घिर गए हैं, और बारिश कभी भी, बारिश भी हो सकती है, बारिश लगातार हो रही है रामगढ़, ये पूरे इलाके में हो रही है। और महेश खान डाक बंगला के बारे में कुछ बताइए। महेश खान का जो डाक बंगला है, आपको पता होगा डाक बंगले पहले इंस्पेक्शन हाउस के रूप में, निरीक्षण भवन जो कहलाता है, क्या जगह, अब ये देखिए तो ये क्या जगह है दोस्तों, हाँ, तो वो उसके लिए होता था, शायद 2 या 3 सूट हैं इसके अंदर, बहुत पुराना पत्थरों का बना हुआ है, हाँ, शानदार है, हमने इस पे काफी लिखा भी, जनसत्ता में भी मैंने लिखा था इसके डाक बंगलों पे स्टडी करते हुए, हाँ, तो ये देखने वाला है यहाँ पे। अभी जब आप ऊपर चलेंगे, हाँ, तो डाक बंगले का जब फोटोग्राफ लीजिएगा, उसके जो फोटो या वीडियो लीजिएगा, और नीचे आप टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया कुछ। अब ये देखिए हमारी गाड़ी जो रास्तों से जा रही है, अब गाड़ी हमारी चल रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये देखिए 5 किलोमीटर एकदम कंप्लीट ऑफ रोडर है, तो 4-व्हीलर से ही आना चाहिए या जीप और उस तरह की गाड़ी जो है वो सही पीछे है। वाली गाड़ी देख लीजिएगा आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है। अभी क्या है कि चूंकि बारिश नहीं हुई है, बहुत ज्यादा जब बारिश होगी, हाँ, तो ये पानी भी यहाँ पर थोड़ा, हालांकि पत्थर है इसलिए कीचड़ नहीं होगा, पत्थर है पानी बह जाता है या सोख लेता है, हाँ, तो इसलिए दिक्कत, बट फिर भी थोड़ी छोटी, हाँ, गाड़ी के लिए दिक्कत, हाँ, है छोटी गाड़ी, क्योंकि नीचे आपको बम्पर से नीचे कहीं इंजन, हाँ, पर, हाँ, टच कर सकता है उस पानी में। अभी तो आप संभल के चल रहे हैं क्योंकि कुछ दिखेगा, मतलब पानी होने से दिखता कम है, या सड़क पर कहीं अगर कुछ पानी हो। खैर तो जो महेश खान में ऐसे जो आपने बताया 2 कॉटेज है, दो या तीन सुइट हैं जो डाक बंगला है, और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर है, और जो डाक बंगले के अलावा हट्स बना है टूरिस्ट के लिए, पर्यटकों के लिए अब खोला इसलिए गया है। इधर की वैली दिखाई है उपेंद्र, ये वैली दिखाई है, राइट साइड घना डेंस, ये जो फॉरेस्ट है पूरा, राइट साइड की वैली देखिए चारों तरफ, अब ये बादल जो है एकदम चारों तरफ आसमान में बादल है, कभी भी बारिश हो सकती है, और यहाँ गर्मी में इस बार पहाड़ के पेड़ जो है बहुत झुलसे हैं, इसलिए जो दिख रही है, और आग भी बहुत लगी थी पहाड़ों में, बिनसर में तो मेरे ख्याल से कई दिनों तक आग थी, आग बुझाने के लिए मौत हो गई थी, आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर और सेना की मदद लेनी पड़ी। ये देखिए ना, ये आग के निशान है, ये देखिए काला काला जो निशान है, चार आग बुझाने वाले 4 फायर कर्मियों की मौत भी हो गई थी वहाँ। खैर ये सब आग के निशान, यहाँ भी आग लगी थी इसका, ये सब देखिए ना, उससे काला पूरे जंगल में आग लगी थी। बहुत संभल के चलने वाला है यहाँ,
आप कुछ दिन जो है भ्रमण करिए और अच्छे टूरिस्ट एक तरीके से जो है ट्रेवलॉग भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं बढ़िया। तो अच्छा, आपने तो ट्रेवलॉग लिखा है कुछ? हमने तो लिखा है घाट घाट का पानी। हाँ, नाम है। वैसे नाम आपने गजब दिया है। हाँ भाई, आपने घाट घाट का पानी पिया और वही हाँ। आपने लिख दिया किताब। हाँ, हाँ, का नाम घाट का पानी, पानी तो आपने भी पिया है लेकिन आपने आपने हमने उतने घाटों का नहीं पिया है जितने घाटों का आपने पिया है। तो ये दरअसल नीचे कुछ सालों पहले, कई साल हो गए जब हट, बल्कि हमने पानी पिया है और आपने घाट घाट का पानी पिया। हाँ, घाट का पानी और घाटी का पानी और ये नाले स्रोते सब तो हैं। यहाँ तो आप स्रोत का पानी अभी पी रहे थे, आपने एक वीडियो भी बनाया वहाँ पे स्रोत का तो पानी। महेश खान का जो डाक बंगला हाँ, है हाँ, मेरी दिलचस्पी उसमें ज्यादा। हमको ऐसा लग रहा है कि 8-10 साल पहले एक बार आया था। आप हमारे आप एक बार विभूति नारायण राय थे और आपके एक मित्र थे जिनके साथ आप आए थे, राजीव नाम था उनका। और पहले याद है उस समय एक घटना भी हो गई थी यहाँ पे, तो उसके ऊपर तो बहुत सावधानी से चलने की जरूरत। अब देखिए, यही मैं जो कह रहा था ना, पत्थर कहाँ हटाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, वो साइड में निकल जाए। अब यही नीचे जैसे कीचड़ है तो अगर छोटी गाड़ी होगी हाँ। तो ऐसे फंस सकती है, बारिश बहुत ज्यादा तेज हो जाए या बहुत ज्यादा हाँ। कई दिन तक बारिश हो जाए तो। खैर हाँ, तो महेश खान का कुछ बता रहे थे फिर से बीच में। हाँ, उस समय क्या था कि एक यहाँ पे हत्या हो गई थी कि कोई अपनी गाड़ी में ला के कोई गर्लफ्रेंड वगैरह को जला दिया था उसने, तो उसी पे विभूति जी ने उपन्यास लिखा रामगढ़ में हत्या प्रेरित होकर। अच्छा, विभूति नारायण राय जी। लेकिन वो उपन्यास खैर दूसरी घटना को लेकर, पर प्रेरणा हम लोग के साथ उनको मिली थी। हम लोग जब आए थे अच्छा उस समय उनको। तो यहाँ जो ये गेस्ट हाउस है फॉरेस्ट का जी, तो इसमें रहने के लिए लोग इसमें बुक करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू? जो ज्यादातर नीचे पर्यटक सरकारी गेस्ट वगैरह होते होंगे ज्यादा, वो सरकारी गेस्ट होते हैं जो पर्यटक आते हैं उनके लिए। अब ये देखिए कुछ व्यवस्था की है, यही सब जगह है, इसमें बहुत संभल के चलने की जरूरत है। आगे जैसे कीचड़ है, मैंने वही बोला कि बारिश की बहुत ज्यादा कम है, बट बारिश ज्यादा होने पे इसमें फंसने के चांस है। देखिए हम तो निकल जाएंगे। सॉरी, हाँ कुछ बता रहे थे। तो वो हम लोग, आपको ध्यान होगा, हम लोग यहाँ पे एक वॉच टावर पे चढ़ गए थे उस समय, और वो पेड़ के ऊपर वॉच टावर पेड़ के बगल बना हुआ था जंगल में। यहाँ खासियत यह है, यहाँ परिंदों की आवाज जो सुबह और शाम को, सुबह खास करके आती है 5 बजे से। देखिए ये सामने एक चिड़िया उड़ती हुई जा भी रही थी, और यहाँ तरह तरह के बर्ड्स हैं बहुत, मतलब इधर देखिए। और ये भी है कि ये जो रास्ते में हम जा रहे हैं, ये खास किस्म, ये जो हम जा रहे हैं जहाँ, तो ये आम रास्ता नहीं है। नहीं नहीं, आम रास्ता नहीं, बाहर जहाँ से हम चले वो गेट बंद है, गेट बंद है। उसने हमसे कहा है डिपार्टमेंट का कि जब आप निकलेंगे तो आपको हमें फोन करना पड़ेगा, मैं आके गेट खोलूंगा, वो पास में रहता है। तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अनुमति लेकर जिन्हें महेश खान में आने की अनुमति है, या जो टूरिस्ट यहाँ गेस्ट हाउस डाक बंगला बुक करके आते हैं वही आ सकते हैं। हाँ, उसके लिए हमने अनुमति ली यहाँ के जो DFO फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उनसे बाकायदा अनुमति ली, और उसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पे आप जाइए, और आने जाने का समय नाम सब कुछ नोट होता है वहाँ पे गेट पे भी, ताकि कोई जंगल में कुछ हादसा हो जाए कुछ जाए पता रहे। अच्छा, ये कितना किलोमीटर है अंदर ऐसे? ये 7 किलोमीटर था गेट से, 7 किलोमीटर गेट से। तो आप जो रफ्तार से आए हैं तो आप खुद ही बता रहे थे कि 10 किलोमीटर घंटा है। हाँ, अभी तो 40 की स्पीड वही लग रहा है। ये देखिए जड़ देख रहे हैं, ये जरा फोकस करिए, सामने एक जड़ है पेड़ की, वो जरा दिखाइए। क्या है इसमें खास बात? नहीं नहीं, एक पेड़ की जड़ है, वो देखते हुए कैसी लग रही है आप खुद ही बताइए ना, क्या दृश्य है वो? हाँ, डरावना सा कुछ, स्केल्टन टाइप का नहीं लग रहा? हाँ, हाँ, कुछ भूताया फिल्मों का। आपको गुमनाम फिल्म नहीं याद आई? अरे याद है, नंदा नंदा थी, अगर मुझे नाम याद है, एक्ट्रेस नंदा ही थी ना, गुमनाम है कोई, गुमनाम प्राण थे, मनोज कुमार थे। नहीं मुझे एक्ट्रेस इसलिए याद है, बड़ा ड्रामेटिक उसमें गाने के बीच जो गुमनाम है कोई गाना जो है, गुमनाम है कोई, हेलन थी या हेलन भी थी शायद इसमें, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन मनोज कुमार का तो पता है और प्राण का पता है, 6 लोग थे जो अचानक जंगल में, और ये देख रहे हैं दृश्य। प्रदीप जी आपको दिक्कत तो नहीं है बहुत? हाँ, अब देखो पूरा एकदम बादल चारों तरफ घिर चुका है और शाम हो चुकी है। दरअसल हम लोगों का प्लान था कि हम लोग 4 बजे निकलेंगे, लेकिन अम्बरीश जी तो राजा आदमी हैं, तो 4 का इन्होंने कर दिया 6। देखिएगा गाड़ी आगे न जाने पहुंचते पाए। पहुंचते जो है अंधेरा भी होगा, अंधेरा और स्पीड एकदम 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम चल रहे हैं, और पूरी तरह से
केयरफुल धुंध भरा रास्ता है, धुंध भी है। और ये अगर आपको ऐसा दृश्य देखना हो तो आप जा सकते हैं बिनसर। बिनसर में भी ऐसा ही दृश्य मिलेगा आपको, हालांकि बिनसर के रास्ते में चढ़ाई बहुत तेज है। अब आगे धुंध है एकदम। हाँ एकदम धुंध है, धुंध कोहरा बादल। उसमें देखिए देखिए भाई, देखिए देखिए क्या है, कुछ लगा क्या नीचे? नीचे पत्थर या पेड़? पेड़ का डंडा दोस्त। देखिएगा पीछे वाली गाड़ी निकल आएगी कि नहीं, लेकिन छोटी गाड़ी जो पीछे आ रही है उनको दिक्कत ना हो जाए। बहुत धीरे चल रहे हैं हम लोग, 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, बहुत सावधानी से चलने की। अभी हम मुंशहरी गए थे तो वहीं ये स्थिति थी, इससे भी पतला रास्ता था जी। और कुछ महेश खान के बारे में बताइए आप। महेश खान यही है कि आप अगर एक बार देखने आए तो बहुत खूबसूरत जगह है, जंगल के बीच जंगल। अगर आपको देखना तो यहाँ नेटवर्क वगैरह तो होता नहीं होगा, नेटवर्क वगैरह की नहीं, लाइट नहीं है यहाँ, लाइट भी नहीं है यहाँ। रात में आपको लाइट नहीं मिलेगी, सोलर लाइट से वो एक पॉइंट देते हैं चार्जिंग के लिए। अच्छा। हाँ यहाँ बिजली नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और पानी की व्यवस्था भी, जब स्रोत इधर सूखे हैं तो पानी मंगाना पड़ता है। पिछली बार जब मैं आ रहा था तो फॉरेस्ट अधिकारी ने यही कहा था कि पानी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप अभी रुक जाइए। तो मतलब बिजली नहीं है, सोलर लाइट का इंतजाम है। और खाना जो रहते हैं, खाना आपको पहले से सब कहना पड़ेगा तब खाने का इंतजाम होता है। ये देखिए धुंध देख लीजिए इसकी, गजब है यार, एडवेंचरस है मतलब यहाँ रहना। हाँ आपको काफी अलग किस्म का अनुभव होगा। हाँ लेकिन जैसे रात में लौटना बड़ा केयरफुल होके, दिन में ही दिक्कत है, रात में तो बहुत केयरफुल होके देख के। हाँ रात में तो फिर आपको गुमनाम फिल्म याद ही आ जाएगी पूरी, 20 साल बाद गुमनाम, कोहरा, ये सब फिल्में देखी है कि नहीं? हाँ देखी है मैंने। तो ये सब मैंने बहुत बचपन में देखी है, आप तो तब बड़े हो गए होंगे, 25 साल के होंगे तो आपको सब याद होगा। मैं तो छोटा था उस समय, पहला दूसरा पढ़ता था। आपके दृष्टि दोष होता है, आपका उम्र दोष है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी मान लीजिए, अरे यार क्या सड़क है यार। हालांकि देखिए मुझे इस तरह की सड़क में चलाने में बड़ा मजा आता है, एक एडवेंचर का फील होता है, लगता है कि गाड़ी ही नहीं कुछ कर रही, हम भी कुछ कर रहे हैं, गाड़ी तो चल ही रही है। डैश कैम होना चाहिए इस तरह की सड़क के लिए, डैश कैम से सड़क के वीडियो आते हैं। अगली बार मैं डैश कैम लगाऊंगा। फिर अमरीश जी रील बना रहे हैं? नहीं रील नहीं, मैं फोटोग्राफ ले रहा हूँ, रील नहीं बना रहा हूँ। देखिए फोटोग्राफ अच्छे आ रहे हैं। तो आपको तो इधर जितने बहुत भालू तेंदुआ उस सबसे परिचय भी होगा, 20-25 साल से रहा। मैंने इन्होंने बताया ना प्रदीप जी, अभी आपको बता रहे थे। प्रदीप जी क्या झपट्टा मार के गए आपके यहाँ तो सलाम करके जाएंगे, राइटर्स कॉटेज है। तो हमारे तो कुत्ते ले ही जा चुका है भाई तेंदुआ, उसमें कौन सी नई बात है। मैं तो भूटिया कुत्ते थे हमारे पास बहादुर के। अच्छा। बहादुर से पता नहीं आप मिले हैं कि नहीं मिले हैं? नहीं हम नहीं मिले, उसकी कहानी सुन चुके हैं, लेकिन अभी हम मिले महेश खान की तरफ जा रहे हैं। तो हमें लगता है अब आ ही गया है महेश, आ गया बाला, आ जाना। चाय वाय का इंतजाम होगा वहाँ? हाँ कहा हो जाएगा इंतजाम। तो रात में जो लोग रहते होंगे वो तो खाना होना बनता है, वो पहले से कहना पड़ता है। नहीं वो समझ गया। हाँ। तो जो लोग रहते हैं जैसे एक दो दिन के लिए बुक किया, जंगल में रहे आप, नेट नहीं है, क्या रहे, बिजली नहीं है, तो अपना एक तरह से प्रकृति के बीच में बिल्कुल आप डिटॉक्स होके जाते हैं यहाँ से। हाँ जाहिर सी बात है, सवेरे जो आवाज सुनाई पड़ेगी आप उठ जाएंगे। अच्छा। और 4:30 बजे एक साथ जो परिंदों की आवाज सुनाई पड़ेगी आपको लगे। क्या सड़क है यार, ये आवाज सुनाई पड़ रही है आपको ये अभी जो? हाँ देखिए तरह तरह के चिड़ियों की आवाजें। एक चिड़िया होती है जिसे कश्मीर में हजार दास्तान कहा जाता है। हाँ। और यहाँ का लोकल नाम अलग है, वो सीटी बजाती है। हाँ। और कुछ देर 3 बार बजाती है सीटी उसकी। तो उसी चिड़िया की सीटी सुन सुन के आप सीटी बजाना सीखे? नहीं वो तो है? क्योंकि सीटी आपने सीटी बजा के ही हम लोगों को गाड़ी रोकने के लिए बोला था। अच्छा अब देखिए कहाँ आ गए क्या हम लोग, लगभग देखिए आ ही गए लग रहा है, सामने कुछ दिख रहा है, बेस आ रहा है यहाँ पे। यहाँ देखिए यहाँ एक मिनट जाए इसके ऊपर करिए टैगोर टॉप। देखिए अब मैंने आपसे कहा टैगोर टॉप यहीं से 3 किलोमीटर है। कहाँ पे जा रहे हैं एक मिनट, रिसेप्शन किधर है आप? यार वो नीचे था क्या ये डाक बंगले की तरफ, या तो हम जा रहे हैं, हमें नीचे चाय वगैरह का अरेंजमेंट नीचे ही होगा। नहीं डाक बंगला किधर है? इसी में ये रास्ता डाक बंगला, इधर ही जाए ना हम।
वहाँ एरो लगा था, क्या था उस एरो में, देखा था आपने? हाँ जरा देख लीजिए रिसेप्शन जहाँ पे। नहीं आप नीचे आओ, नीचे आओ ऊपर, नीचे आओ, देख के आते हैं। ध्यान से उतरिएगा, स्लिपरी है बहुत। अरे यार बहुत स्लिपरी है इसमें। हाँ आराम से आराम से आराम से। ये हम लोग ये ऊपर जा रहा है डाक बंगला। हाँ जरा पूछते हैं किधर जा रहे हैं, रास्ता पूछते हैं। हाँ देखते हैं इसमें लिखा हुआ है, ये इधर नीचे होगा, इधर लिखा हुआ है। हाँ नीचे नीचे करना पड़ेगा, रिसेप्शन नीचे है ना, नीचे। ये डाक बंगला है, ये पहले रिसेप्शन चलिए, रिसेप्शन चल रहा है। हाँ अगर फोटो लेनी है डाक बंगला का हो क्या है? और फॉर FRH फॉरेस्ट रेस्ट हाउस होगा, ये ऊपर है। अगर फोटो लेनी है तो अभी ले सकते हैं, वहां से यू टर्न हो जाए। ये देखिए अब क्या, ये क्या एकदम बादल और एकदम गजब मौसम, गजब हो गया एकदम। बीच जंगल के बीच में हम लोग टैगोर टॉप इधर से जाएंगे। हाँ आएंगे हम टैगोर टॉप भी, बहुत सुना है यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर आए थे और अपनी बेटी को लेके आए थे। अगर मुझे बेटी का इलाज, बेटी का इलाज कराने, टीवी का इलाज कराने, इलाज कराने के लिए यहाँ आए थे, रहे उस दिन। उनकी बेटी बच नहीं पाई, बच नहीं पाई, और गीतांजलि का इन्होंने हिस्सा भी एक हिस्सा लिखा। और उसके बाद यहाँ से जाकर तब उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना स्थापना की जो पहले ये भी कहीं आया कि पहले शांति निकेतन यही वो बनाना चाहते हैं रामगढ़ में, और बाद में सरकार ने माना भी और शांति निकेतन का शुरुआत की उन्होंने रामगढ़ में ही उसी की तरफ, उसके बाद वो वहां गए। अच्छा तो अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं? रिसेप्शन पे चलना है या डाक बंगला देखना है पहले? ये लो ये लो ये लो, आपको डाक बंगला अगर देखना है तो ऊपर चलेंगे, रिसेप्शन चल रहा है। नहीं नहीं यहाँ नहीं छोड़नी, आइए डाक बंगला चलते हैं आगे, डाक बंगला तक जाना है ना, आइए। थोड़ा आगे करिएगा, यहाँ गड्ढा है जहाँ पे मैं चल रहा था। चलते आगे आइए, ये अपने आप में एडवेंचरस है यहाँ डाक बंगला में अगर रहने आ जाए तो। चलिए आइए हम थोड़ा सा आगे करिएगा गाड़ी, डाक बंगला पास में ही होगा ना, यहाँ पास में ही है लेकिन गाड़ी से ही जाना पड़ेगा, घुमाने का आपका कोई रास्ता? आइए आगे से आइए आइए। थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे, यहाँ गड्ढा है। हाँ बस बस बस, ठीक 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 ठीक, बस बस बस। वो तो नीचे चले गए वो लोग, जाने दीजिए क्या दिक्कत, आप डाक बंगला का रोड कर लेंगे। चलिए चलिए आइए, प्रदीप जी पीछे रह गए ना, पता नहीं। हाँ आइए आइए, प्रदीप जी पीछे रह गए हैं। हाँ चलिए अब हम लोग चल रहे हैं डाक बंगला देखने के लिए। जी डाक बंगला आगे है, उसके बाद फिर जहाँ पे रिसेप्शन है पहले डाक बंगला देखे हो, क्या धुंध है एकदम। हाँ। गजब है यार, आइए आगे, ये गुमनाम है कोई जैसा ही फील आ रहा है। आगे करिए नहीं तो लाइट खत्म हो जाएगी। कितनी दूर है? कितनी दूर? बस 2 मिनट का रास्ता है, आप ऊपर आइए, आइए बैठ जाइए, आइए गाड़ी में, आइए भाई साहब जल्दी से आइए गाड़ी में। प्रदीप जी बैठिए, क्योंकि फिर वो लाइट चली जाएगी तो एकदम दिक्कत हो जाएगी। चलिए निकालिए, और डाक बंगले का तो मजा यही होता है ना, ऐसा दृश्य हो अगर और आप वहां पे हो, मैं पकड़ लेता हूं अगर। अच्छा क्या दृश्य है अमरीश जी, बिल्कुल बिल्कुल। और है? मतलब ये शाम का लग रहा है, पता नहीं कहां जंगल के बीच बादलों के गाना बीच, है ना, डीप फॉरेस्ट में है, गजब है यार। क्या एक्सपीरियंस है प्रदीप जी, एकदम गजब नहीं? लेकिन इसमें अगर आप ट्रैकिंग करेंगे तो ही मजा है, तो मजा ज्यादा है, ये बात सही कह रहे हैं। गाड़ी उड़ी का मजा नहीं है, क्योंकि जब आप घुमाइएगा ट्रैकिंग करेंगे तो ज्यादा मजा है। अब ये ऊपर है डाक बंगला, अब देखिए पहुंचे, और अमरीश जी कह रहे हैं 100 साल पुराना है। 100 साल उस पे अभी इसका जो वो लिखी हुई है, तारीख लिखी है उस पे, कैमरा जब ले जाएंगे तो तारीख अपने आप सामने आ जाएगी। तो डाक बंगला यहाँ और रिसेप्शन नीचे, इसकी वजह क्या नहीं, है? नहीं वो रिसेप्शन टूरिस्ट के लिए है। अच्छा, और ये जंगलात विभाग के अफसरों का, बाकी अफसरों का जज हैं, नेता हैं, जो लोग आते हैं। देखिए ये यहाँ पे अच्छा, आ गया, ये आ गया, ये देखिए ये आ गया विश्राम भवन महेश खान। ये हम लोग दाखिल हो रहे हैं विश्राम भवन, मतलब रेस्ट हाउस लिखा होता है, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस FRH। ये हम उसमें दाखिल हो रहे हैं जी, गजब है, एडवेंचर है भाई। जंगल के बीच और अभी तो मौसम ऐसा है, अब यहीं पे आप उतरिए और डाक बंगले की हम लोग फोटो लेंगे।
उतरो 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 हैं, गाड़ी आगे कहीं बैक करने का जरूर होता है, यहीं से बैक हो जाएगी। अब मैं बैक करेंगे गाड़ी, आगे से बैक करते हैं। अच्छा ये आ गए हम डाक बंगले में। ओके ये डाक बंगला आ गया भाई। अरे अरे एक उम्र ज्यादा है, देख के चलिए। अरे वीडियो में आप यहाँ रील बनाने के चक्कर में लगे, हम आपकी फोटो खींच रहे हैं भाई, हमारी फोटो बाद में डाक बंगला तो देखिए क्या है खास बात। इसमें जो सन है, गेस्ट नहीं है यहाँ पे, है इस पे वो वर्ष लिखा है, इसलिए वर्ष को ध्यान दीजिए। अभी अब गेस्ट नहीं है, थोड़ा सा मेंटेन ठीक से नहीं है, मुझे लगता है मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा बेहतर होना चाहिए। हालांकि ये सब इलाके का ये तो एक ओरिजिनलिटी है तो है। अच्छा इस पे निर्माण वर्ष है 1911, आप सोचिए वन विश्राम भवन महेश खान, निर्माण वर्ष 1911, तो हो गया 113 साल पुराना, एक साल 113 साल पुराना है, और इसका रेनोवेशन व जीर्णोद्धार 2007 में। बाप रे बाप, 113 साल पुराना है भाई, ओरिजिनल स्ट्रक्चर थोड़ा रेनोवेट किया गया होगा इसका। हालांकि इस मौसम में चूंकि बारिश वारिश हो रही है, बरसात के मौसम में लोग थोड़े टूरिस्ट कम भी हो जाते हैं, तो अभी टूरिस्ट नहीं है, तो मजा आया अमरीश बिल्कुल है। अच्छा तो लग रहा है आपको यहाँ रह जाइए 10 दिन? नहीं नहीं हम तो रह चुके हैं भाई, रह चुके हैं। हेलो गजब, रिसेप्शन पे हम आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं। आ गए आ गए आ गए। कुंडा बंद है मतलब वो खोलेगा नहीं नीचे? हाँ अंदर जाओ अंदर जाओ। चलिए चलिए चलिए, कोमल कानी साहब ने भेजा है, बड़ा अच्छा है, दिखाओ भाई ये डाक बंगला दिखाओ भाई, मौसम दिखाओ, डाक बंगला दिखाओ, क्या बेजोड़ जगह है, क्या एकदम लग रहा है कि हाँ गजब है यार। बरसात में जो है ना, बारिश के मौसम में पहाड़ की खूबसूरती, जंगल की खूबसूरती बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, पहाड़ पे खास तौर से जो बादलों का आना जाना है गजब। तो इसमें रहने के लिए कभी इंतजाम हो तो? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, होती है सरकारी बुकिंग होती है, बुकिंग होती है इंटरनेट वगैरह के थ्रू? बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनेट क्या डीएफओ के जरिए। अच्छा डीएफओ के जरिए बुकिंग होती है। चलिए आइए अब हम लोग चलेंगे वहाँ जहाँ रिसेप्शन है, चाय वाय पियेंगे और उसके बाद। तो यही इसीलिए बार बार आ जाता हूँ यार, रामगढ़ मुझे इतना अट्रैक्ट करता है ना। क्या होता है, मैं पहले वीडियो में एक दो बार बोला है कि एक हिल स्टेशन है, नैनीताल है, मनाली है, शिमला है, भीड़ है, ट्रैफिक है। हालत तो ये है कि नैनीताल में गर्मियों के मौसम में मई जून में अगर आपके पास होटल की बुकिंग हो ना हो तो आप नैनीताल में शिमला में दाखिल भी नहीं हो सकते, इतनी भीड़ होती है, इतना ट्रैफिक होता है। और ये सब एकदम गांव का इलाका है, शांति है जी, तो ये यहाँ का परमानंद है। तो अब चलते हैं हम कहीं और, चलिए चलिए बिल्कुल।